मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 331 केंद्रों पर कुल 35,353 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 24,794 लोग, जिसमें 15 से 17 वर्ष के बच्चों को 12,368 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,559 लोग शामिल है, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 76.69% लोगों को टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों के प्रयास से लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील किया कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं, जिससे कि हम कोविड से बच सके। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। सभी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में वैक्सीनेशन का बूथ चल रहा है और बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, केंद्र बनाएंगे लोग, आज 400 स्थानों पर चल रहा है और कोविड वैक्सीनेशन में हम लोग जो है 76.69% का टीकाकरण कर चुके हैं और लगातार आप लोगों के प्रयास से हम लोग जो है कोविड की में अपने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। अपील यही है कि सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं, जिससे कि हम लोग कोविड से बचे रहें। बच्चों के टीकाकरण के लिए हमारे जो है 15 वर्ष से अधिक के 2007 से पूर्व जन्मे हुए बच्चों का टीकाकरण का विशेष महाअभियान चला रखा है, जिसके तहत हमने डिग्री कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस में जितने ही हमारे हैं वहां पर हम वैक्सीनेशन बूथ चला रहे हैं और वहां उन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है।